रोहतास के अकबरपुर से एटीएम काटकर कैश की चोरी का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। चोर एटीएम काटकर 24,59,000 रुपए कैश लेकर फरार हो गए। वारदात का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। तस्वीरों में दिख रहा है कि रात के वक्त दो चोर पहले एटीएम में घुसे। एटीएम में घुसने के बाद उन्होंने चारों तरफ किसी चीज का स्प्रे किया, फिर दोनों बाहर से गैस कटर लेकर अंदर आए। दोनों के अंदर आने के बाद तीसरे शख्स ने बाहर से शटर को बंद कर दिया और फिर चोरों ने गैस कटर से एटीएम मशीन काटकर उसमें पड़े 24,59,000 कैश लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चोरों के मशीन काटने पर एसबीआई के मुंबई ऑफिस में अलर्ट सायरन भी बजा, जिसके बाद रोहतास पुलिस से संपर्क करने की कोशिश भी की गई मगर संपर्क नहीं हो सका और चोर आराम से वारदात को अंजाम देकर निकल गए। और ये देखिए जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है वो आप अभी देख पा रहे हैं, जिसमें आप खुद देख रहे होंगे कि दो चोर जो हैं वो अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद वो कुछ हाथ में लिक्विड रखते हैं और जिससे वो स्प्रे करते हैं चारों तरफ। और इसके बाद जो तीसरा शख्स इसकी निगरानी कर रहा होता है वो बाहर खड़ा होता है और वो शटर को गिरा देता है, जिसके बाद यहाँ फिर गैस कटर की मदद से एटीएम को काटा जाता है। उससे 24,59,000 रुपए निकाले जाते हैं। 6 मिनट 10 सेकंड में इतने लाख की चोरी जो है यहां पर हो जाती है। और जब ये सब कुछ घटनाक्रम चल रहा होता है तो हैरानी की बात यह है कि इसका सायरन मुंबई ऑफिस में बजता है और वहां से संपर्क साधने की कोशिश की जाती है रोहतास पुलिस से, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाता है।